फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एक्चुअली ये रेकरिंग अकाउंट नहीं है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। ये एग्जाम में बेटा 4 मार्क का आएगा। कभी भी आया डिस्टिंग्विश तो पहला मीनिंग पॉइंट में बोलना, एंडिंग एग्जाम्पल में बोलना, ठीक है। मीनिंग क्या है, फिक्स डिपॉजिट क्या है, आपके पास लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है। आप एक फिक्स सम, फिक्स रकम 50,000, लाख, जो भी आपको लगता है, एक फिक्स पीरियड के लिए रखते हैं। अच्छा, ये फिक्स पीरियड कितना होगा, कम से कम 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 10 साल के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट में आप एक एक्स्ट्रा रकम बाजू में रख देते हो, आप बीच में विड्रॉ नहीं करते हो, और ये रकम से आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर सेविंग अकाउंट था, इसमें आपको ब्याज दर 3.5% रहेगा, लेकिन आपका जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट रेट 5, 6, 6.57 तक हो सकता है। ये अलग अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेशनलाइज बैंक का 5 होगा, एचडीएफसी आईसीआई कोटक का 6, 6.5 तक भी हो सकता है, कुछ बैंक तो 7 भी देते हैं, सीनियर सिटीजन रहा तो 0.5% ज्यादा भी देते हैं एफडी में। रेकरिंग डिपॉजिट क्या है, किसी का होटल है या रेस्टोरेंट है, या रोड साइड पान की दुकान है, या भंगार बेचता है, या भाजी वाला है, हर रोज वो गन्ने में से 100 रुपए निकाल के देगा, या हर हफ्ते, या 14 दिन जिसको फोर्टनाइट बोलते हैं, या महीने में, तो ये बार बार डिपॉजिट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मतलब फिक्स डिपॉजिट एक और पॉइंट बोल सकते हैं, नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट एक टाइम ही होता है, और ये बार बार होता है, हर रोज, या हर हफ्ते, या हर महीने, ठीक है, उसको रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। विड्रॉल, कस्टमर्स और डिपॉजिटर्स, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप एफडी तुड़वाओगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तोड़ के कम रकम मिलना है। आपने फॉर एग्जांपल लाख रुपए एफडी किया था 1 साल के लिए, आपको मिलना था 5,000, बट 8 महीने में आप वापिस मांग रहे हैं, तो आपको 2,250 ही मिलेगा, कम मिलेगा। बीच में आप एफडी तोड़ सकते हो, चाहो तो विड्रॉ करना नहीं चाहिए, इमरजेंसी में कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। मतलब टेक्निकल भाषा में, फिक्स डिपॉजिट आपको पूरा ब्याज चाहिए तो आप इसको बीच से विड्रॉ नहीं कर सकते। डिपॉजिटर्स इसको भी बीच से विड्रॉ नहीं कर सकते, हालांकि आपने, आपका जमा हुआ है 1 लाख रुपया, तो वही बैंक आपको आपके ही पैसे से आपको ही 80,000 का कर्जा देगा, और रिकरिंग डिपॉजिट का ब्याज दर 6% होगा, तो आपको लोन पे 60% लगाएगा, मतलब आपके ही पैसे से आपको लोन दे रहा है, वो वाली बात हो गई। फैसिलिटी, आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो, आपको फिक्स डिपॉजिट रिसीट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसीट है, कि आप रिन्यूअल के लिए जाओगे या पैसा मांगने जाओगे, सबसे पहले बैंक ये बोलेगा, और आपसे घूम गया तो आपको कोर्ट में जाकर एफिडेविट कराना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये मिस्टर ए है तो मिस्टर बी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ए के नाम पर ही रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिसीट है, इसको संभाल के लॉकर में रखने का, ठीक है। और रिकरिंग डिपॉजिट में आप पैसा जमा करोगे तो पेन स्लिप जैसे डिपॉजिट करते, वैसे बैंक वाला आपको एक पर्ची देगा डिपॉजिट किया हुआ पैसा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सपोजिटली 6% है, तो रेकरिंग में 5% होगा, मतलब रेकरिंग में डिपॉजिट कम होगा। और एक और आप बोल सकते हैं, डिपॉजिट का क्वांटम, क्वांटिटी, मतलब नॉर्मली आप फिक्स डिपॉजिट एक बार करोगे, रेकरिंग हर हफ्ते, वीकली करोगे, या मंथ बार बार करोगे, रिपीटेशन, समझ में आ रहा है। एफडी आपने 1 लाख किया 1 साल के लिए एक ही बार, आप रेकरिंग में हर रोज, हर हफ्ते बार बार करोगे, ये भी एक पॉइंट आप डाल सकते हो। फिर सुटेबिलिटी, कोई भी आदमी फिक्स डिपॉजिट कर सकता है जिसके पास सरप्लस इनकम है, रेकरिंग वो जो फिक्स हर रोज का चाय वाला, भाजी बेचने वाला, होटल वाला, मेडिकल, किराना, सब लोग गल्ले में से 100 200, समझ में नहीं आता ना, चलो 100 दे दिया, लेकिन वो जमा होकर 5 साल में बहुत बड़ा रकम बन जाता है। सो रेकरिंग डिपॉजिट का फायदा ये है, आप हर रोज 100 200 500 दो, 5 साल बाद आपको सडनली 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे, तो आपको समझेगा भी नहीं, बोलते ना समुद्र में से एक एक बूंद निकल रहे दिखता नहीं है, बट जब बूंद जमा हो गया 5 साल बाद तो बहुत नदी बन जाएगा, वैसा वाली बात है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग, बहुत सारे वीडियोस है, पिछले वीडियो में मैंने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट भी बनाया था, आपको दूसरे कोई वीडियोस चाहिए या पिछला वाला, या हजारों वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, कोई भी आपको डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, वीडियो चाहिए तो वो भी आपको भेज दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर जो वीडियो अपडेट्स हम दे रहे हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।